थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, हमें ये बताएं, माशाल्लाह आपका खुद इतना बड़ा नाम है आपके सोशल वर्क की वजह से एज अ बिजनेस वूमेन, इसके अलावा भी शहर के तकरीबन हर इवेंट में दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ अरसे से ये महसूस किया जा रहा है कि आपका नाम आर्यन खान की माँ के नाम पर लिया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? आप अपना काम कर रही हैं या आर्यन खान का नाम इतना बड़ा हो गया कि आप वो हवाला बनकर रह गया है, और एक माँ की हैसियत से आप इस बात को किस तरह देखती हैं, कुछ बताएंगे प्लीज़? हमारे मुल्क में कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बेटे या बेटी के नाम से पहचाने जाते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं ना, लेकिन आई एम द लकी वन। आर्यन मेरा बेटा, वो मेरी पहचान है। एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मुझे बहुत फख्र है इस बात पर। लेकिन मैम, कल से सोशल मीडिया पर एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें सर आर्यन एक ग्रेवयार्ड में है और कहा जा रहा है कि वो अपनी माँ की कब्र पर गए थे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पता नहीं, मैं ज़्यादा ना सोशल मीडिया पे जाती नहीं हूँ, ना मीम्स देखती हूँ, ना वायरल चीज़ें देखती हूँ। मुझे नहीं मालूम विच पिक्चर आर यू टॉकिंग अबाउट। देखिए, आर्यन एक सुपरस्टार है, उसकी अचीवमेंट और कुछ थोड़ी बहुत मेरी भी अचीवमेंट इतनी ज़्यादा है इस मुल्क के लिए कि बेहतर नहीं होगा हम उनके बारे में बात करें बजाय पेटी गॉसिप के और सोशल मीडिया स्टफ के? ये लें फूफो, आपकी चाय, थक गई होंगी आप बहुत। थैंक यू। थक तो गई हूँ। वैसे आपको नहीं लगता आपने पिक्चर वाली बात का सही जवाब नहीं दिया? कोई भी न्यूज़ बना के चला देंगे वो लोग। चला दे, नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। लेकिन अगर आर्यन से डायरेक्ट पूछ लिया फिर? आई एम श्योर आर्यन भी रिएक्ट नहीं करेगा, डोंट वरी। दिल का क्या करें, बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।